प्रदेश के जौनपुर जिले के मछली शहर तहसील के बेलसड़ी में सोमवार रात को रामलीला मंचन के दौरान भगवान शिव का किरदार अदा कर रहे कलाकार की स्टेज पर ही हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। वहां मौजूद कलाकारों में हड़कंप मच गया। इससे पहले फतेहपुर जिले में हनुमान का किरदार निभा रहे शख्स की हृदय गति रुकने की वजह से अचानक मौत हो गई। इसके एक दिन बाद अयोध्या में रावण की भूमिका निभा रहे कलाकार की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मछली शहर तहसील के बेलसड़ी में सोमवार रात को रामलीला मंचन के दौरान भगवान शिव का किरदार अदा कर रहे कलाकार की स्टेज पर ही हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। वहां मौजूद कलाकारों में हड़कंप मच गया। इससे पहले फतेहपुर जिले में हनुमान का किरदार निभा रहे शख्स की हृदय गति रुकने की वजह से अचानक मौत हो गई, जिसके एक दिन बाद अयोध्या में रावण की भूमिका निभा रहे कलाकार की मौत हो गई थी। इसके बाद तुरंत उन्हें मछली शहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। रात को इमरजेंसी में उचित इलाज नहीं मिलने की वजह से उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक राम प्रसाद पिछले 5 वर्षों से लगातार भगवान शंकर का रोल निभाते चले आ रहे थे। वहीं पिछले 52 साल से लगातार इस समिति का सफलता पूर्वक संचालन कर रहे पूर्वक प्रचार राम श्रृंगार शुक्ल समेत सभी सदस्यों और कलाकारों ने गहरा शोक प्रकट किया है। इस वर्ष रामलीला को स्थगित कर दिया गया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रामलीला मंचन के दौरान मौत का यह तीसरा मामला है। इससे पहले अयोध्या के एहर गांव में चल रही रामलीला में 60 साल की पति राम रावण की भूमिका निभा रहे थे सीता हरण के दृश्य के दौरान उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की। कोई कुछ कर पाता इससे पहले ही वह गिर गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ऐसा ही हादसा फतेहपुर के धाता थाना क्षेत्र के ग्राम सलेमपुर में हुआ था। हनुमान की भूमिका का मंचन करते समय कलाकार राम स्वरूप अचानक मंच से नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई।